जी है कि नहीं? जैसे कोई नदी का पानी है, कहेगा गंदा है, गंदा है, सब कहेगा गंदा है, और उसको उतर के साफ करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि ताकि वो साफ हो सके। क्या जरूर आपका कोऑपरेशन मिलेगा, तुम्हें इसमें बहुत अच्छा काम। अब आपकी समस्या जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की समस्याएं हैं, जो आए दिन मुझे फोन कॉल के माध्यम से दी जाती है मजदूरों के द्वारा, सरदारों के द्वारा और मुंशियों के द्वारा, सभी समस्याओं का समाधान हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी त्वरित करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुझे निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी बंदे कॉल करते हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक ईमेल बनाया गया है। उस ईमेल में आप अपना समस्या को एक पेपर में लिख लेंगे, अथवा ऑडियो बना लेंगे, अथवा वीडियो बना लेंगे और भेजेंगे, फाइल बनाकर भेजेंगे, और आपसे संपर्क की जाएगी और आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा और त्वरित समाधान होगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारे यूनियन में दलाल लोग घुस गए हैं, जो लाखों रुपए लेकर आप भाग जाते हैं और यूनियन का नाम अल्टीमेटली बदनाम हो रहे हैं, जबकि यूनियन में चंदा इत्यादि को जमा ही नहीं की जाती है, लेकिन यूनियन के नाम से गलत काम हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी मजदूरों से, सभी मजदूर संघ के सदस्यों से, कि इस मौका को ना चुकें। आप ईमेल जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, जिसका पासवर्ड हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी के पास होगा और हमारे और एक दो कोर टीम है उनके पास होगा, और वे खोल कर देखेंगे कि किस मजदूर को क्या समस्या है। अगर समस्या वाजिब है तो आपको बुलाया जाएगा और आपकी समस्या का सॉर्ट आउट किया जाएगा। बहुत सारे लोग पैसा दे दिए हैं, लिंक नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग चंदा के नाम से किसी कौन लीडर को दिए हैं, क्यूआर कार्ड नहीं बना है, बहुत सारे लोग तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आप अवश्य रूप से इस ईमेल का इस्तेमाल करके आप हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से और हमारे महामंत्री श्री अरुण कुमार जी से संपर्क साध सकते हैं और समस्या को त्वरित निपटारा कर सकते हैं। इस कदम के लिए मैं राष्ट्रीय प्रभारी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मजदूरों की आवाज़ को अपना दर्द समझकर ये कदम उठाए हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं, थैंक यू कहता हूं। खुशखबरी, 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 आपको हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी से और हमारे महामंत्री श्री अरुण कुमार जी से मिलने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज सवेरे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी मुझे कॉल करके ये महत्वपूर्ण बात मुझे कही है कि आप मेरे पास जो आप कॉल करते हैं, बहुत सारे समस्याओं को रखते हैं और उन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो अब हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी और महामहिम श्री अरुण कुमार जी स्वयं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना होगा और वहाँ पर आपको टाइप करके बताना होगा कि आपकी समस्या क्या है। फ़ोन कॉल के माध्यम से सबका कॉल हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही बहुत अधिक है, चीन को हरा चुकी है, उतनी बड़ी जनसंख्या का फ़ोन कॉल को उठा पाना असंभव है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि व्हाट्सएप की तरह ही है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें अकाउंट बनाने के बाद @BRMGSSNews24, फिर एक बार सुने, @BRMGSSNews24 में जुड़ जाएंगे। वो अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही आप जुड़ते जाएंगे उसको मैं एक दो घंटा के लिए पब्लिक कर दूंगा और आप अपनी समस्या वहां पर लिखेंगे मोबाइल नंबर के साथ और अपना राज्य के माल गोदाम का नाम, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख के भेजेंगे और समस्या लिख के भेजेंगे और मैं उसको लिस्टिंग करूंगा और हम हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी से टाइम लूंगा या हमारे महामंत्री जी से टाइम लूंगा और आप अगर आ सकते हैं तो आएंगे, जो लोग आने सकते हैं आएंगे, उनसे मैं आपको मिलवा दूंगा और आपकी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट होगा। यही बात मुझे समझाया गया सवेरे, आज सवेरे ठीक 8 बजे जब मैं ड्यूटी जा रहा था तभी अचानक मुझे कॉल आया और कॉल आ रहा था, उस समय मैं रेलवे स्टेशन के पास था और मुझे चलती हुई ट्रेन में दौड़ कर चढ़ना पड़ा और पूरी शोर हो रही थी और मैंने उनकी बात सुनी। और ये निर्देश जब हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से मिला है तो इससे आप भी कोऑपरेट करें, मैं भी कोऑपरेट करूंगा और हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार जी भी कोऑपरेट करने का वचन दिए हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भी कोऑपरेट करने का वचन दिए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा संगठन है, हमारा यूनियन छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है और 4-5 व्यक्ति मिलकर जो समस्याएं हमारे यूनियन में उत्पन्न हो रही है, चाहे लेन देन से संबंधित हो,
चाहे किसी ने यूनियन का नाम से लाखों रुपए आपसे लिया जो कि यूनियन मेंबर है ही नहीं और आपसे लिया और फरार है, या किसी तरह का आपका लिंक नहीं हुआ है, बहुत लोगों का QR कार्ड नहीं बना है, या आपका लिस्ट भारत सरकार तक पहुंचा अथवा नहीं पहुंचा, इस सब की जानकारी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और महामहिम श्री अरुण कुमार जी ही दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सौभाग्य दिया है कि आप सबों से मैं कम्युनिकेट करूं कि आप मुझे अपना सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देंगे, फ़ोन कॉल के माध्यम से नहीं देंगे। टेलीग्राम चैनल में हम लाइव भी आएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है, हम लाइव भी आएंगे, इसलिए उस चैनल में जुड़ जाएं। कई बार हम लाइव आ चुके हैं लेकिन आप लोगों ने ही हमारा हिम्मत को पस्त कर दिया, ठीक है, पस्त ना करें, हमारी हिम्मत को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी आप ही लोग हैं, तो आप लोग हिम्मत बढ़ाते रहें तभी हम आगे हमारे जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है BRMGSS में लिंक कराने से संबंधित, QR कार्ड बनाने से संबंधित, कब ज्वाइनिंग होगा, कब शिफ्टिंग होगा इत्यादि से संबंधित सारी जानकारियां अब राष्ट्रीय प्रभारी जी और हमारे अरुण कुमार जी देंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है और उसमें अपनी समस्या, सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, समस्या साथ ही साथ दे दीजिएगा, आपका माल गोदाम का नाम और स्टेट का नाम, ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर, आपके माल गोदाम का नाम, स्टेट का नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका लीडर का नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस लीडर को आपने पकड़ा है वो 2-3 लाख रुपए लेके 5 लाख रुपए लेके फरार, तो उसको भी, उसकी भी सूचना आपको देनी होगी, ठीक है, तभी हमारे यूनियन में रिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। हमारे देश में आप जब इतिहास पढ़िएगा तो एक समय था सती प्रथा हुआ करती थी, बाल विवाह हुआ करती थी, जब किसी महिला का हस्बैंड को मर जाते थे तो उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। हमारे देश में युगों युगों तक कुरिंथियाँ रही है, उसे हटाने के लिए हमारे विवेकानंद जी और उनके गुरु ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, साथ ही साथ हमारे अंग्रेजों ने भी उनका साथ दिया। तो कहीं ना कहीं बुराइयों का अंत होता है, तो आप बुराइयों का अंत करने के लिए कदम बढ़ाएं, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, रिफॉर्म हमारी यूनियन में, मैं यही देख रहा हूँ, यही बात मैंने सुबह मनोरंजन जी से बताया कि हमारी यूनियन में कुछ ऐसे भी दलाल घुस गए हैं जो हमारे यूनियन मेंबर हैं ही नहीं और वो हमारे मासूम जनता से यूनियन का नाम ले लेके पैसा लेकर फरार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चिन्हित तभी हो सकते हैं जब आप हमसे संपर्क रहेंगे, हमसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी को नहीं पता, अरुण कुमार जी को नहीं पता, और भी संगठन के लीडर्स हैं उनको पता नहीं। तो आप जब तक इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा तब तक हमारे यूनियन में समस्याओं का अंबार ऐसे ही पड़ा रहेगा, युगों युगों तक आप समाधान नहीं खोज पाइएगा। समाधान करने का अल्टीमेट व्यक्ति हैं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी, उनसे हम लोग एक समय ले लेंगे, जब आप टेलीग्राम चैनल में सारी समस्याओं का लिस्ट सौंपेंगे, सबका नाम को मैं एक रजिस्टर में लिखूंगा और लिखने के बाद मैं आमंत्रित करूंगा कि 17 तारीख को मिलने का समय दिए हैं सर, उस दिन आप आ जाइएगा और उसके बाद हर एक का एक एक करके समस्या का सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे। जबकि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हों, चाहे अरुण कुमार जी हों, बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि सरकार के साथ भी उनको हैंडल करना पड़ता है और साथ ही साथ कई राज्यों में उनका विजिट होता है, कई कार्यक्रम होते हैं, इसके बावजूद भी आपकी समस्या सर्वोपरि, उन्होंने मुझे बताया कि सर्वोपरि है और उन समस्याओं का समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है और जल्दी निकालना जरूरी है, क्योंकि शिफ्टिंग अभी चालू है, ठीक है, ट्रेनिंग हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के विषय में पूछते हैं, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लीजिएगा, कोई भी विभाग हो, आपने ना तो ITI किया है, ना तो आपने MBA किया है, अधिकांश लोग नहीं किए, यहाँ मुंशी और सरदार का क्या काम है किसी को पता नहीं, अधिकांश लोगों को पता नहीं, जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को पता है लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं, इसलिए ट्रेनिंग अवश्य रूप से ले लें। हर एक माल गोदाम में जो शिफ्टिंग हो रहा है, धेमाजी में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 20 तारीख से, उसके बाद और भी माल गोदामों में स्टार्ट होगा मुझे लगता है, क्योंकि 20 मार्च के आसपास कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उससे पहले अगर हम 10-12 माल गोदामों में शिफ्टिंग करा देते हैं तो ये हमारी जीत होगी। जैसे हम किसान आंदोलन को आज देखे, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वो वीडियो बनाया है, उसको अच्छा से देख लीजिए, आप हार मत मानिए, नेगेटिव नहीं होइए, आप जीत चुके हैं और उस जीत को अपने मुट्ठी में, अपने कब्जे में लाना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, उतना ही जिम्मेदारी है जितना कि अरुण कुमार जी का जिम्मेदारी है या हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी का जिम्मेदारी है, उतना ही जिम्मेदारी आपका भी है। अगर आप कमज़ोर पड़े तो अरुण कुमार जी भी कमज़ोर पड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी भी कमज़ोर पड़ेंगे और मैं कमज़ोर हुआ तो सबके सब, हम लोग सब कमज़ोर हो जाएंगे। हमें कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं बनना है, आदमी नहीं बनना है, हमें हिम्मत वाला आदमी बनना है, आशा को नहीं खोना है और बुराइयाँ जो हो रही है हमारे यूनियन में उसको रिफॉर्म करना है, रिफॉर्मेशन जरूरी है। हमारे इतिहास में, हम इतिहास के बारे में मैं बताया कि हमारे देश में कई रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने हमारे देश में जो भी बुराइयाँ थी, सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे स्त्रियों को नग्न अवस्था करके घुमाना हो,
है ना, टैक्स के नाम पर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता था, छुआछूत जैसी बीमारियां थी, सारे को रिफॉर्म किया गया। उसी तरह आज भी हमारे देश में कई बुराइयां हैं, उन बुराइयों को रिफॉर्म करना और एक संस्कार को हमारी यूनियन में डालना, इम्प्लांट करना बहुत जरूरी है। संस्कार इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं मैं इस धर्म को मानता हूँ, उस धर्म को मानता हूँ, इस धर्म को मानता हूँ। अरे धर्म एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी। जो लोग धर्म को, देखिए स्वर्ग एक है, मैं बार बार हमारे मित्रों के साथ जब भी मैं बैठता हूँ, कई धर्म के लोग बैठते हैं मेरे साथ, सबको मैं कहता हूँ देखिए जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएंगे, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, जब आप अध्यात्म को समझ गए तो आप धर्म किनारा हो जाएगा, सभी धर्म किनारे हो जाएंगे। ठीक है, अध्यात्म का डेफिनेशन आप समझ जाइए, व्हाट इज अध्यात्म, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज पर्सनल एनकाउंटर विद द सुप्रीम रियलिटी। हु इज सुप्रीम रियलिटी? सुप्रीम रियलिटी इज द पर्सन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग टू मी एंड यू, दैट इज सुप्रीम रियलिटी। इफ यू हैव द पर्सनल एनकाउंटर विद हिम, यू विल नॉट नाइदर कंसिडर यूर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, यू विल कंसिडर यूर सेल्फ एज ए राइचियस पर्सन। मीन्स यू हैव पर्सनली एनकाउंटर विद द सुप्रीम रियालिटी, दैट इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। वही तो है स्पिरिचुअलिटी। इसलिए अध्यात्म में यही बताया जाता है कि आप संस्कारिक बने, किसी तरह का बुराई से दूर रहें, इत्यादि तो ही बताया जाता है सभी रिलीजन में। तो अडॉप्ट द स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यूर पर्सनल एनकाउंटर, नॉट द व्हाट पीपल द बल्क नंबर ऑफ पीपल आर अडॉप्टिंग, दैट इज नॉट ए स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज योर एक्सपीरियंस विद द सुप्रीम रियालिटी, दैट इज कॉल्ड अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी। देयरफॉर मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अडॉप्ट संस्कारा एंड रिफॉर्म द यूनियन परफेक्टली। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए इमीडिएटली, समय रहते, कोड ऑफ कंडक्ट सामने है, आचार संहिता सामने है, इलेक्शन भी सामने है। हमें नहीं पता कि इलेक्शन के बाद कौन रेलवे मंत्री होंगे, कौन गृह मंत्री होंगे, कौन प्रधानमंत्री होंगे। हमारे हाथ में लड्डू है जिसको हम पॉलिसी के नाम से जानते हैं, हमारे हाथ में शिफ्टिंग करने का निर्देश लेटर भी है, सारी चीज़ें हमारे पास, हमें भारत सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए दे रखा है ताकि हम माल गोदामों का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखें, तैयार करें, ताकि मजदूरों को किसी तरह का असुविधा भविष्य में ना हो शिफ्टिंग करने से पहले। तो सारी चीज़ें हमें मिल गई है, हमें इम्प्लीमेंट करना है, और भी 14 लोगों का गैंग बनाकर शिफ्टिंग करना है। यही बात मुझे आज सवेरे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी ने समझाते हुए कहा, आप 14 लोगों का गैंग की सूची बनाने में हमारी और मनोरंजन जी का, अरुण कुमार जी का, या आपका लीडर अच्छे हैं तो उनसे करवा लें, नहीं है तो आप डायरेक्ट आप हमारे यूनियन के ऑल इन ऑल राष्ट्रीय प्रभारी एंड अरुण कुमार जी से मिलकर गैंग की सूची बना लें और आपकी डाटा को रेलवे मंत्रालय या श्रम मंत्रालय तक जमा करने में योगदान दें और बुराइयों को दूर भगाएं। यही तो टारगेट मुझे दिया गया है। ठीक है, मैं इस टारगेट को निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका कोऑपरेशन अति आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ समस्याएं हैं तो समस्याओं को टेलीग्राम चैनल में लिख के भेजें, कागज में भी लिख सकते हैं या टाइप करके भेजें, प्रमाण भी भेजें अगर कोई प्रमाण वगैरह है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आप अपनी समस्या को लिख के भेजें। और अगर मान लीजिए कि 100 जन हो जाए, 10 जन हो जाते हैं, तो 10 लोगों को एक साथ बुला लिया जाएगा, उनसे काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग होने के बाद आप 10ों का समस्या को हल करने का रिक्वेस्ट हमारे राष्ट्रीय प्रभारी या अरुण कुमार जी से की जाएगी। यही निर्देश मुझे आज सवेरे दिया गया। अगर किसी तरह से मुझसे भूल होती चली जा रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, और गलतियाँ होती है, बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं, मैं नाराज़ हो जाता हूँ। मैं इतने सालों तक मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुतों का मैंने लिंक भी कराया, हमारे पास वेस्ट बंगाल के कुछ कम से कम 30 महिलाएँ आई हुई थी, उन लोगों को मैंने सीधे अरुण कुमार जी को भेजा मीन्स अरुण कुमार जी के पास भेजा और उनका लिंक हो गया। और अब शिफ्टिंग हो रहा है तो लिंक हुआ है तो नेचुरली उनका भी शिफ्टिंग होगा। उसी तरह बहुत सारे लोगों का लिंक नहीं हुआ है, QR कार्ड नहीं बना है, वे जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। मैं फ़ोन कॉल आपका उठा नहीं पाता हूं क्योंकि दिन के समय में मुझे स्वास्थ्य विभाग का, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का OPD को संभालना पड़ता है। OPD में होता क्या है कि हमारे पास 100 सैकड़ों मरीज आते हैं, उनको उनका नाम, उनका सारा डिटेल, उनका प्रोफाइल बनाना पड़ता है, साथ ही साथ जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा उसे उनको देना पड़ता है। इसलिए मैं उठा नहीं पाऊंगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, वहाँ आप अपनी समस्या को रखें, हम लिस्ट बनाएंगे और इसे आदरपूर्वक हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी को सौंपेंगे। साथ ही साथ आप भी आ जाइएगा और उनके साथ बैठकर जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये पूरे भारत के लिए सूचना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, हमारे 28 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, ऑल द 7 सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ अपॉर्चुनिटी। इफ यू थिंक दैट
यू हैव अ बल्क नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ. मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम, प्लीज गो टू गो एंड ज्वाइन टू टेलीग्राम चैनल एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम विद योर नेम एज वेल एज द गोदाम नेम एज वेल एज स्टेट नेम एंड सबमिट मीन्स मैसेज मी इन टेलीग्राम चैनल सो दैट आई मे लिस्ट एंड सबमिट टू आवर नेशनल इंचार्ज मनोरंजन कुमार. And we will try to solve each and every problem of our union. And we have to reform the union. Okay, it is very necessary because now shifting is started. But our this union will remain till the railway will remain. Therefore, we have to reform all the young generation. We have to reform because we get inspiration from our great father and Mahamantri Arun Kumar Ji. And after his inspiration, we have taken this burden to reform our union. Not only reformation of our union, but also we have to reform the society as well as family. It is very necessary in India because we know other countries such as America, Europe, and Western countries, they are reform people. They are highly qualified people. And we are unable to compete with them. They are all, in that country also, there are so many laborers, but they are not hungry. They are not fighting for job. But in India, our government is so poor in thinking, in rationalizing, that they don't bother about farmers as well as they don't bother about laborers, and they don't bother about youth also, because recently you saw that those who had given examination of railways, they were kicked by the police officers in Patna. Okay, may I request all of you, whatever has been going on in India, that has to be stopped by us. The young generation has big responsibility to change our country. Thank you, good night, and have a sweet dream. है कि नहीं, जैसे कोई नदी का पानी है कहेगा गंदा है, गंदा है, सब कहेगा गंदा है, और उसको उतर के साफ करने वाला भी तो होना चाहिए ना, ताकि वो साफ हो सके. आपका कोऑपरेशन मिलेगा तुम्हें, इसमें बहुत अच्छा काम क्या कर रहा है कि नहीं. आपको पता है कि नहीं कि संगठन में जो चंदा तक हम लोग को नहीं मिल पाता है, गोदाम से 1 रुपया चंदा नहीं आता है, कुछ बाहर के लोग सहयोग करते हैं, वो भी 2-4 हजार रुपया, उससे पूरा संगठन का इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना मीटिंग सब कुछ देखे, कितना क्या उस मीटिंग कार्यक्रम में खर्च नहीं हो रहा है. अरे बहुत जरूरी है, हमारे यूनियन में आना चाहिए चंदा, लेकिन लेके भाग रहा है ना सर, मुझे ये भी जानकारी है. कोई भी आदमी यूनियन के साथ गलत कर रहा है. यूनियन तो हमारा नहीं है, यूनियन सभी लोग का है, आप हो चाहे हम हो सबका है. हर आदमी का दायित्व है कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए. तो हम तो बुला के आपको बोले थे कि जो जो आदमी के साथ समस्या है एक सेंटर बना देते हैं, वहाँ पर लोग आएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, निष्पादन करेंगे. मैं रहूंगा वहाँ, जहाँ पर जहाँ जहाँ हमको सुविधा है करने, मतलब वही ना, यहाँ रांची में हो जाएगा तो फिर रांची में करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में तो. अच्छा मैं कॉल करता हूँ आज, फोन करके, और जहाँ जहाँ स्टेट के लोग देखो गोदाम में, अभी हम गोदाम में गैंग वाइज लोगों को नहीं व्यवस्थित करेंगे तो कैसे काम हो पाएगा. 2400 घंटा 7 दिन काम करना है अगर, और व्यक्ति वहाँ जो सरदार है, मुंशी है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे एडजस्ट नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा क्या क्या समस्या. हमको मालवाहक को भी जोड़ना है ताकि सही तरीके से रेक आए, सबका मजदूरी निर्धारण हो करके उसको प्राप्त होने का काम हो. आखिर इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. जी जी, अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, और जो भी करें लोगों के लिए कर रहे हैं. टारगेट तो हमारे लोग हैं. उसके बाद बहुत सारा लोग का कार्ड इसे देखो एक्सपायर है, बहुत पहले किसी ने कार्ड बनाया, 5 साल से कोई रिन्यूअल नहीं हुआ, न उसका कुछ लीडर है, न कोई नहीं है. तो आखिर उस सब के लिए भी नोटिस जारी किया, इसके बारे में लोगों को आप ये करो ताकि वो सीधे मुख्य धारा में जुड़ जाए. क्या किसी के माध्यम से, किसी के माध्यम से किसी ने संगठन में आया मान लीजिए, और आज वो लीडर ही नहीं है, या वो कोई तीसरा चौथा व्यक्ति जिसको संगठन जानती ही नहीं, लेकिन वो तो मेंबर तो मेरा है, उसका कैसे हमको करना. वो व्यक्ति जब सही तरीके सामने आएगा तभी ना उसका हमको निष्पादन कर पाएंगे. क्या सही बात, हमारा जो माल गोदाम का QR कार्ड भी बना है, बहुत सारे लोगों का QR कार्ड भी नहीं बना है. तो नहीं बना है तो वो कैसे बनेगा. इसीलिए तो बोलते हैं कि सेंटर बना के किसका किसका क्या समस्या है उसके हिसाब से निष्पादन. ये छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी का प्रमाण के तौर पर डाल रहा हूँ. हमारी बातें लगभग आधा घंटा तक हुई थी, सभी ऑडियो नहीं डाले जा सकते हैं. मैं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर उनको किसी तरह का ठेस पहुँचे. साथ ही साथ
मैं निवेदन करूंगा कि ये प्रमाण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सभी लोग जैसा मैं इस वीडियो के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, उस पर कोऑपरेशन करने की कृपा करें। इससे यूनियन को ही लाभ होगा। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारा यूनियन एक मजबूत यूनियन हो, जैसा कि किसान संगठन है या कई ऐसे संगठन हैं जो बहुत ही मजबूती से अपनी बात को सरकार तक रखते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसे जल्दी से जल्दी हमें हल करके शिफ्टिंग में हमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हों या महामंत्री जी हों, उनका कोऑपरेशन करना चाहिए। तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस छोटे से ऑडियो क्लिप के लिए, अगर किसी को ठेस पहुँचता हो। ये प्रमाण के तौर पर मैं डाल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन प्रमाण के तौर पर। बहुत लोग इस बात को झूठा भी समझ सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात राष्ट्रीय प्रभारी से नहीं हुई, आप अपने मतलब से ही, अपनी इच्छा से ही जो काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। हमें राष्ट्रीय प्रभारी जी का बात को मानना पड़ेगा, जो भी यूनियन मेंबर्स हैं उनको मानना पड़ेगा और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको निभाना पड़ेगा। चलिए, हमारे लोकतंत्र में दो बातें लिखी गई है, एक फ्रीडम और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम अधूरा रहता है तब तक जब तक कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभाते हैं। मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा, लेकिन आपका कोऑपरेशन अत्यंत आवश्यक है। आप कोऑपरेट नहीं करिएगा तो मैं भी केवल वीडियो बनाता रहूँगा, किसी तरह का कामकाज नहीं करूँगा। इसलिए वार्निंग है कि आप हमारा कोऑपरेशन करें और मैं आपका कोऑपरेशन करूँगा, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी भी प्रॉमिस कर दिए हैं कि वे भी हमारा कोऑपरेशन करेंगे। तो आइए इस एकता के क्रियाकलाप में एक साथ मिलकर एक नए इतिहास की रचना करें। सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत बढ़ाओ, या जैसे ये मजदूर जो BRM GSS के हैं, एंसलरी हैं, सरदार हैं, मुंशी हैं, एंसलरी हैं, ये सब बिक रहे हैं, इन लीडरों के बिकाऊ पुत्र हैं। ऐसे बिकाऊ पुत्रों का समर्थन करते रहिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत को बढ़ाएं, ताकि हम सचमुच में क्रांतिकारी लीडर के रूप में इस देश को एक दिशा दशा दोनों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कामयाब हों। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी को पुनः मेरी ओर से शुभकामनाएं, विशेषकर मजदूर जिनके आंख में आज भी आंसू है, दर्द है, 1952 से लेकर अब तक वे कराह रहे हैं। गुलामों की संख्या आज उस समय से अधिक होती चली जा रही है जब भारत गुलाम हुआ करता था, उससे ज़्यादा गुलामी आज के स्वतंत्र भारत में देखे जा सकते हैं। उस गुलामी से बाहर निकलना है तो कुछ बातों को ध्यान देकर, संस्कारिक बनकर या इस तरह घूस देकर नौकरी को खरीदने की कोशिश ना करें, अन्यथा लोग पढ़ना बंद कर देंगे और सभी लोग पैसे के बल पर नौकरी खरीदने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी भारत की जनता तक ये सत्य को उजागर करें, ताकि भारत सरकार के कान में भी जाए और भारत के जनता के कान में भी जाए, विशेषकर युवाओं के कान में चला जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के MBA इत्यादि कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, एक दूसरी ओर लोग जो है पैसे के बल पर नौकरी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो जायज नहीं है, दैट इज इलीगल।